नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज के टॉप बिजनेस न्यूज़ के बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट अपडेट है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने पीएम रिलीफ फंड के लिए 71 लाख रुपए डोनेट किए हैं। नेक्स्ट अपडेट है कि कोरोना वायरस का असर बेरोजगारी पर दिख रहा है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में आईटी सेक्टर से करीबन 1.5 लाख लोगों की जॉब जा सकती है और इसका इफेक्ट देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि गुरुग्राम की एक आईटी कंपनी ने करीबन 300 लोगों की छुट्टी कर दी है। और इतना ही नहीं, यूनाइटेड किंगडम की एयरलाइन कंपनी ब्रिटिश एयरवेज ने भी अपने 28,000 एम्प्लॉयज को निकालने की तैयारी में है। और नेक्स्ट अपडेट है कि जैसा कि कोरोना वायरस की वजह से मार्च के मंथ में मारुति सुजुकी की सेल में करीबन 47% की गिरावट आई थी, जिसके चलते कंपनी और डीलर्स को बहुत सारा लॉस हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए अब मारुति सुजुकी ने यह डिसीजन लिया है कि वो 800 से 900 करोड़ रुपये अपने डीलर्स के लिए प्रोवाइड करेगा। और ये 800 से 900 करोड़ रुपये मारुति सुजुकी के डीलर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अगर आप में से कोई मारुति सुजुकी का डीलर है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मारुति सुजुकी ने आपके सपोर्ट के लिए 800 से 900 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है। और नेक्स्ट अपडेट है कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के लिए $1 बिलियन का इमरजेंसी फंड अनाउंसमेंट किया है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को करीबन $4.1 ट्रिलियन का लॉस हो रहा है। तो नेक्स्ट अपडेट है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में से FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीबन मार्च के मंथ में 1.2 लाख करोड़ रुपीस निकाल दिए हैं। ये इन्वेस्टर्स 6 मंथ से इंडियन मार्केट्स में होल्ड पे थे। तो नेक्स्ट अपडेट है कि गूगल की सब्सिडियरी कंपनी यूट्यूब, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सर्च इंजन है, अब वो टिकटॉक से कम्पीट करने के लिए ठीक टिकटॉक की तरह एक शॉर्ट वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है और इसका नाम होगा यूट्यूब शॉर्ट्स या शॉर्ट्स। अभी तक तो नाम के बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन टिकटॉक के जैसे ही ऐप इस साल के एंड तक लॉन्च करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी गूगल के पास ऑडियो सॉन्ग्स के राइट्स और लाइसेंस है, और इसका फ़ायदा गूगल यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए उठा सकता है। तो अब हम बात करेंगे आज के मार्केट के बारे में। रामनवमी के छुट्टी के बाद इस वीक का आखिरी दिन इंडियन मार्केट्स में गिरावट के साथ बंद हुआ। मार्केट आज 358 पॉइंट ऊपर खुला और एक मिनट के अंदर ही मार्केट में गिरावट आ गई, जो बाजार बंद होने तक बनी रही। सेंसेक्स में 674 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते सेंसेक्स मार्केट बंद होते होते 27,590 पॉइंट पर बंद हुआ। और निफ्टी 170 पॉइंट गिरकर 8,083 पॉइंट पर बंद हुआ। और आज के मार्केट के टॉप गेनर्स के बारे में बात करी तो सन फार्मा, सिप्ला, ITC और गेल, इन शेयरों में तेज़ी देखने को मिली। और आज के टॉप लूजर्स है एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक और टाइटन, इन शेयरों में गिरावट देखने को मिली। इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।